मनासा में लगातार हो रही भारी बारिश और विद्युत क्षेत्र में दुर्घटनाओं से बचाव हेतु तहसील के समस्त तकनीकी कर्मचारियों की सुरक्षा उपकरणों का सदुपयोग करते हुए एवं सुरक्षा नियमों को ध्यान में रखते हुए कार्य करने हेतु एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन नीमच मनासा रोड पर संभागीय कार्यालय पर रखा गया, जिसमें मुख्य रूप से कार्यपालन यंत्री प्रकाश चंद्र कसूटिया एवं डी के मालवी कनिष्ठ यंत्री आर के जोशी सहायक यंत्री के माध्यम से विद्युत कर्मचारी को प्रशिक्षण दिया गया। शुक्रवार को डी के मालवी ने जानकारी देते हुए बताया कि विद्युत कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरणों का सही तरीके से उपयोग करने के तरीके बताए, साथ ही बरसात में होने वाली विद्युत दुर्घटनाओं से कैसे बचा जा सके और क्या क्या सावधानी बरती जाए, इस विषय में आमजन के लिए सूचना जारी की। संभागीय कार्यालय पे मनासा तहसील के समस्त तकनीकी कर्मचारी से सुरक्षा उपकरणों एवं सुरक्षा अधिनियम की जानकारी के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया, जिसके अंतर्गत आज की परिस्थिति में लाइन कर्मचारी को कैसे कार्य करना है, उपकरणों का किस तरीके से उपयोग करना है, उनका प्रशिक्षण दिया गया, सभी को समझाया गया, सभी को उपकरण का उपयोग करके बताया गया और सुरक्षा संबंधित कार्य करते वक्त क्या क्या कार्य करना पड़ता है, कैसे सर्किट को सेफ्टी जोन बनाना पड़ता है, सारे उपकरणों के संबंध में इस प्रकार से विस्तृत जानकारी दी गई और उनसे चर्चा की गई कि आपको आपके क्षेत्र में कार्य करते वक्त कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्या समस्या है, उसको अपने स्तर पर किस तरीके से हल कर सकते हैं, उन ऐसी सारे बिंदुओं पर विचार किया गया और सभी लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। सबको पृथक पृथक बुला करके सबसे अलग अलग जानकारी हासिल की गई कि भैया आप ये इस इंस्ट्रूमेंट का कैसे उपयोग करते हैं, इसका कैसे करते हैं, आप हेलमेट कैसे लगाते हैं, आप सेफ्टी बेल्ट लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, कटिंग प्लायर का उपयोग करते हैं या नहीं करते हैं, आप 11 KV लाइन बंद करके जब कार्य करने जाते हैं तो कैसे काम करते हैं, उसके पहले क्या क्या प्रोसेस अपनाना पड़ती है, परमिट लेते वक्त क्या करते हैं, इस प्रकार से विस्तृत जानकारी दी गई और सभी जनता से भी ये अनुरोध है कि वो अपने अपने क्षेत्र में बारिश का मौसम चल रहा है, वो पोल का घिरना, तार का टूटना, करंट का आना आदि घटनाएं अलग अलग जगह हो रही है, कहीं पे भी अगर इस प्रकार का मैसेज प्राप्त हो तो तत्काल नज़दीकी विद्युत वितरण केंद्र को खबर करें या अधिकारी को खबर करें। इस प्रकार से सभी कर्मचारी को जानकारी दी गई। जैसे बहुत सारे उपभोक्ता ऐसे रहते हैं कि अपने परिसर के अंदर नंगे वायर यानी कि बिना इंसुलेशन के बिना टेपिंग के कट रखते हैं, तो उनसे मेरा अनुरोध है कि अपने घर में टेप वेप लगा करके व्यवस्थित ढंग से मतलब बिना कट के वायर का उपयोग करें, जहाँ तक हो वहाँ तक फिटिंग करवा करके व्यवस्थित उपयोग करें, नंगे तार का उपयोग न करें, आंकड़ियाँ वगैरह हुकिंग्स वगैरह नहीं करें। इस प्रकार से अगर सावधानी रखेंगे तो निश्चित ही विद्युत दुर्घटनाएं कम होएगी और अपने आप को बचाया जाएगा और राष्ट्र की संपत्ति को भी नुकसान नहीं हो पाए। मनासा से बदिला गुर्जर की रिपोर्ट।